सो गाइस, आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू चल रहे हैं। कैंडिडेट्स पूछना चाह रहे हैं कि इंटरव्यू किस इंटरव्यू में हमारा में किस प्रकार से जाना चाहिए, हमें किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। एटीसी एंड एटीसी बहुत सारे क्वेश्चंस कैंडिडेट के दिमाग में आते हैं। तो ये लेशन है आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू गाइडेंस के लिए। और द मोस्ट रिमेम्बरिंग थिंग्स फॉर इंटरव्यू, क्या क्या आपको याद रखना है इंटरव्यू में जाने से पहले, और इंटरव्यू के दौरान आप किन बातों पर फोकस करने वाले हैं और आपको किन बातों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये लेसन प्रेजेंट किया गया है मेरे द्वारा और मेरा नाम है कुमार जतिन। तो दोस्तों, पहली चीज और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपके दिमाग में इंटरव्यू का कॉल लेटर आते ही आती है कि व्हाट शुड यू वियर, पहनना क्या चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये, और लगभग सभी कैंडिडेट्स के दिमाग में ये आती है कि हम इंटरव्यू वाले दिन क्या पहन कर जाएं। तो कैंडिडेट्स में मेल और फीमेल दोनों प्रकार के होते हैं। तो मेल कैंडिडेट्स ज्यादातर जो होते हैं वो सूट और टाई में जाना पसंद करते हैं इंटरव्यू के टाइमिंग, और फीमेल कैंडिडेट्स भी सूट और टाई वियर करती हैं। लेकिन जैसे कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई हमें जीन्स में नहीं जा सकते क्या, तो आप जीन्स में जा सकते हैं, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है संगठन ने इस पर। किंतु इंटरव्यू बोर्ड आपसे ये अपेक्षा रखता है कि आप इंटरव्यू अगर देने आए हैं तो आप सिंपल होकर आए, ना कि जीन्स पहन कर और थोड़ा शालीन नहीं लगते उस पोशाक में आप। तो इंटरव्यू बोर्ड आपसे ये आशा करता है कि आप ऐसा होकर आए जैसे कि आप ऑफिस में जा रहे हैं। तो सिंपल कहूंगा कि एक फॉर्मल ड्रेस आप पहन कर जाएं, ठीक है। फीमेल्स के लिए आप सूट पहन सकती हैं, अगर नहीं पहनना चाहती तो आप सूट सलवार में जा सकती हैं, या फिर और भी कैटेगरीज हैं गर्ल्स के लिए। लेकिन आप सूट में जाना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आप इसमें बेटर फील कर सकती हैं और सामने वाला भी देखकर खुश होगा कि हाँ ये ऑफिस के लिए परफेक्ट है। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, व्हाट शुड यू वियर, हमें क्या पहनना चाहिए, इसके बारे में पहली बात तो ये कि भाई हमें अच्छा फील होना चाहिए वो पहनकर। हम ये नहीं कि हमने सूट बनवाया था लेकिन वो खराब सिल दिया, अगर वो खराब सिल दिया और वो हमें बेटर फील नहीं करा रहा, हम उसमें ठीक ठाक नहीं महसूस कर रहे हैं, तो आप अपनी अन्य कोई ड्रेस पहन कर जा सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप कॉट पैंट पहनकर ही इंटरव्यू दे सकते हैं, ओके। दूसरा प्रश्न जो हमारे सामने होता है कि हम तैयार हो चुके हैं इंटरव्यू के लिए, तो हमें क्या ले जाना चाहिए साथ में। दोस्तों, इंटरव्यू का जब आपका कॉल लेटर आता है तो इंटरव्यू के कॉल लेटर में आपको सब कुछ डिस्क्राइब किया हुआ होता है कि आपको कॉल लेटर के साथ साथ क्या क्या लेके आना है। फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट लिस्ट बता देता हूँ। आपकी 10th बोर्ड की मार्कशीट और उसकी फोटोकॉपी, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों आपको डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। 10th बोर्ड की मार्कशीट, उसका प्रमाण पत्र, 12th बोर्ड की मार्कशीट, उसका प्रमाण पत्र, आपकी ग्रेजुएशन की ऑल मार्कशीट, आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट और आपके डिग्री, अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट चल जाएगा। इसके बाद अगर आप किसी पीएसयू में या फिर गवर्नमेंट ऑफिस में, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉई हैं, तो आप आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयर से आपका एनओसी सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। एंड आपका आप एससी ओबीसी एसटी से हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी होगा, और अगर आपने कोई कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है तो आपको कंप्यूटर के उस कोर्स का प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपका आइडेंटिटी कार्ड है, और आइडेंटिटी कार्ड पर आपकी सारी आपके बारे में जितनी चीजें लिखी गई हैं वो सत्यता होनी चाहिए उनमें। ये नहीं कि इसमें डेट ऑफ बर्थ, 10th बोर्ड में, 10th बोर्ड के सर्टिफिकेट में आपकी डेट ऑफ बर्थ 1994 है और आपके आधार कार्ड में 1992 है, तो ये आपके लिए मान्य नहीं होगा। आप अपनी अपने डॉक्यूमेंट पूरे करके ले जाएं। दूसरी बात, इसके अलावा आप एक पेन ले जा सकते हैं, आप अपना फोल्डर ले जा सकते हैं जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट रखने हैं, एंड इसके अलावा आपको कुछ नहीं ले जाना है, ओके। क्योंकि आपका बैग और अदर चीजें हैं जो है, मोबाइल या एनीथिंग, वो इंटरव्यू बोर्ड में अंदर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा।
तीसरी चीज जो है वो मेल्स के लिए है कि उन्हें क्लीन सेव्स करके जाना चाहिए या नहीं, कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स में, बहुत सारे कैंडिडेट्स में ये भ्रांतियां फैली हुई हैं कि हमें क्लीन सेव करके ही जाना है। जबकि ऐसा कुछ आपने देखा होगा कि आपका जो कॉल लेटर आता है या फिर रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन होता है उसमें ऐसा कहीं भी डिफाइन नहीं किया होता है कि जो कैंडिडेट है वो क्लीन सेव करके ही आएगा, अन्यथा हम उसका इंटरव्यू नहीं लेंगे, एटीसी एनटीटीसी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको क्लीन सेव करके जाना है, बस अगर आपका सेविंग रखने का शौक है आपको, तो उसे शेड्यूल वे में आप रखें, या फिर आप उसे शेव, अच्छी सेव, ये नहीं है कि भाई आपको शेव करा के ही जाना है, आप अपनी दाढ़ी को सेट करा कर जा सकते हैं, आप शेविंग को सेट करा सकते हैं, एंड इसे आप ज्यादा आप लोड नहीं लें कि भाई मेरी क्लीन सेव नहीं है तो मेरे नंबर कटेंगे एटीसी। हेयर स्टाइल क्या रखनी चाहिए दोनों मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हेयर स्टाइल आप जो रखते हैं वही रखिए, क्योंकि आप अपने कोई शादी के लिए लड़का या लड़की पसंद नहीं करने जा रहे हैं, आप इंटरव्यू बोर्ड में जा रहे हैं, और सिंपल बात है इंटरव्यू बोर्ड वही देखना चाहेगा जो कि आप हैं, या फिर वो नहीं जो कि आप एक दिन में बन गए और कल से फिर आपका वही 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 जो शेड्यूल है वो चलने जा रहा है। आप जो हैं वो इंटरव्यू बोर्ड देखना चाहता है, और अगर आप हेयर स्टाइल चेंज भी करते हैं एक दिन के लिए तो सिंपल बात है वो वहां पर जाकर पता चल जाता है कि ये इंटरव्यू बोर्ड के लिए बनाकर लाई गई हेयर स्टाइल है। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इंटरव्यू बोर्ड आपके साथ सख्त तरीके से पेश आने वाला है, आप जिस तरीके से बिहेव करेंगे उनके साथ वो भी उसी तरह से बिहेव करेंगे। तो ये सब आपके लिए जरूरी है घर से निकलने से पहले, और क्या क्या होना चाहिए आपके पास, क्या पहनना चाहिए आपको एटीसी एनटीटीसी। जब आप इंटरव्यू स्थल पर पहुंचते हैं अपने, तो इंटरव्यू में, इंटरव्यू प्लेस में एंट्री के दौरान, एंट्री के बाद आपके तीन चरणों में इंटरव्यू प्रोसेस खत्म होगा आपका। सबसे पहले बायोमेट्रिक होगी आपकी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और थर्ड राउंड आपका इंटरव्यू का होगा। तो दोस्तों, जब आप बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं तो आपका फिंगरप्रिंट स्कैन किया जाता है, आपसे साइन लिए जाते हैं, और ये जो फिंगरप्रिंट स्कैन किया जाता है उसमें आपकी जो मेंस में, आपने मेंस का एग्जाम देते टाइम आपका बायोमेट्रिक हुआ था उसे, इसको रिव्यू किया जाता है, उसको क्रॉस चेक किया जाता है कि हाँ आप वही हैं जो कि मेंस का एग्जाम देते टाइम आए थे, और आप इंटरव्यू भी वही इंसान दे रहा है जो कि उस टाइम था। अंडरस्टूड। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। इससे पहले आपसे एक सेल्फ डिक्लेरेशन भरवाया जाता है कि भाई मैं अगर मैं ये फोटोकॉपीज सर्टिफिकेट्स की सबमिट कर रहा हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन को, एंड और फर्स्ट थिंग कि बायोमेट्रिक अगर आपका नहीं हो पाता है किसी कारण से, तो आपसे डिक्लेरेशन भरवा लिया जाता है कि मेरा किसी वजह से बायोमेट्रिक नहीं हो पाया और मैं वही कैंडिडेट हूँ जो जिसने मेंस एग्जाम दिया था एटीसी डीटीसी। आपको परेशान होने की इसमें कोई जरूरत नहीं होगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं वो सारे ओरिजिनल, और उनकी ओरिजिनल चेक किए जाते हैं, उनकी फोटोकॉपी वो अपने पास रखते हैं। ओके, इससे पहले आपको अपने जो आईबीपीएस का फॉर्म भरा था उसकी भी एक सेट कॉपी चाहिए होगी, और अगर वो आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप आईबीपीएस की वेबसाइट पर जाकर वहां से निकाल सकते हैं। ओके, वो बहुत जरूरी है। तीसरा राउंड डॉक्यूमेंट आपके टोटली वेरीफाई हो जाने के बाद इंटरव्यू का आता है, और आपके इंटरव्यू में पैनल्स बने होते हैं, जो जिस पैनल का नाम आपके कॉल लेटर पर लिखा हुआ होगा उस पैनल के हिसाब से आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने पेश होते हैं तो मैं कुछ सजेस्ट करना चाहूँगा आपको कि क्या करना है। दोस्तों, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इंटरव्यू होगा, इन दोनों राउंड्स के बीच बहुत ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा। इंटरव्यू के दौरान जब आप गेट में एंटर करते हैं तो गेट में एंटर करने से पहले आप पूछेंगे वहां बैठे हुए अधिकारियों से कि क्या सर मैं अंदर आ सकता हूँ, एंड आफ्टर दैट जब वो परमिशन आपको देंगे, आप अंदर पहुंचते ही उनका अभिवादन करेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, एटीसी एनटीटीसी। उसके बाद वो आपको बैठने के लिए कहेंगे, आप उन्हें थैंक यू बोलेंगे और आपका इंटरव्यू प्रारंभ होगा। वो आपसे आपके बारे में पूछेंगे, आपका जो फॉर्म होता है वो उनके सामने रखा हुआ होता है,
आपसे आपके बारे में पूछेंगे, आप अपने बारे में थोड़ा सा इंटरव्यू बताइए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या करता हूँ, ETC NTTC। तो इसके बाद आपका जब इंटरव्यू शुरू होता है तो क्वेश्चंस जो होंगे आपके पास वो आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड होंगे। आपने MBA किया है तो MBA से रिलेटेड, BTech किया है तो BTech से रिलेटेड, BSc है BA, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन होगा कि आप बैंकिंग सेक्टर में क्यों आना चाहते हैं। इसके अलावा क्वेश्चंस होंगे कि जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, सारे क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। NPA हो गया, या फिर मैं कहूँ कि बेड बैंक हो गया, या फिर GDP में बैंक की हिस्सेदारी हो गई, बैंकों का मर्जर हो गया, ये सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और अगर आप किसी अभी एम्प्लॉय हैं कि कहीं के, तो उस विभाग या उस मंत्रालय या फिर उस कॉरपोरेशन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। और आपका आप अगर उन्हें अपनी हॉबी बता रहे हैं तो हॉबी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपके ऊपर है कि आप वहां उनको कहाँ पर रोकना चाहते हैं। आपको आपने अपनी हॉबी बता दी, आप वो वहीं पर रुक जाएंगे, हॉबी के 8 आसपास क्वेश्चंस पूछेंगे। आपने ये बता दिया कि मैं यहाँ इस जगह काम करता हूँ, वो उसी जगह क्वेश्चन पूछेंगे। आपने ये बता दिया कि मेरा बैकग्राउंड ये है, तो वो उसी जगह से आसपास क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप जो आपका बेटर पार्ट है, जो आपका बेस्ट पार्ट है, उसके बारे में पहले बोलिए कि, या तो आप अगर अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर के बारे में जानते हैं अच्छी तरह से तो वो बता दिए कि मैं यहाँ जगह काम करता हूँ, तो वो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। ओके, मैं 5 से 10 मिनट का ये इंटरव्यू राउंड आपका होगा, और ये ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। इंटरव्यू लेने वाले, इंटरव्यू देने वाले के बीच डिपेंड करता है ये। ठीक है, उसके बाद जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाता है तो आप वहां से एक हल्की सी मुस्कान देकर थैंक यू बोलते हुए वहां से निकलेंगे, और उनका दरवाजा बंद करके आप अपने गंतव्य स्थान की ओर जाएंगे। इसके बाद आपका इंटरव्यू समाप्त हो जाता है और हम थोड़े से कंक्लूजन में पहुंचते हैं। आप बाहर खड़े हुए विद्यार्थी आपसे, कैंडिडेट्स आपसे पूछते हैं कि आपका इंटरव्यू कैसा गया। आप कंक्लूजन के बेस पर उन्हें बताते हैं कि उन्होंने ये पूछा और मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, बहुत खराब हुआ, ETC NTTC। तो दोस्तों, इंटरव्यू जो होगा वो आपका ज्ञान बेस नहीं है, आपका ज्ञान चेक नहीं करने वाले वो, आपके हाव भाव, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपकी सोच समझने की शक्ति, आपका रहन सहन, आपका बोलने का ढंग, आपका बैठने का ढंग, आपका सोचने का ढंग, ये सब चेक करने के लिए इंटरव्यू होता है। क्योंकि आपको वो पहले ही चेक कर, आपका ज्ञान तो वो पहले ही चेक कर चुके होते हैं मेंस और प्री में। तो इंटरव्यू में आपको अपनी शैली पर कंट्रोल करना है, आपको अपने हाव भाव में कंट्रोल करना है। ओके, तो कंक्लूजन के बेस पर आप, उम्मीद करता हूँ कि आप सबका इंटरव्यू अच्छा हो, और इसी शुभकामना के साथ आज के लेसन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन, और अगर कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन, और अगर ये लेसन पसंद आया है तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, और इसी तरह की वीडियोस अपडेट पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।